गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ. स्टूडेंट दिस इज योर मैथ्स क्लास. आई एम योर मैथ्स टीचर. स्टूडेंट्स अब तक आपकी जो मैथ्स की वीडियो थी वो हम आपको आपकी बोर्ड की वीडियो आती थी, बट आपकी अभी जो एक्सरसाइज 5.1 है ये जो आपकी वीडियो है ये आपकी बोर्ड की नहीं है, आईपॉड पे बनाई जा रही है, क्योंकि इसमें आप बोर्ड से ज़्यादा आईपॉड पे अच्छे से समझ लेंगे. तो स्टूडेंट्स ये आपकी बुक है, बुक का पेज आपका स्क्रीन पे है. आपका जो पेज है वो पेज नंबर 48 है. एक्सरसाइज है 5.1. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम आपकी जो ये एक्सरसाइज, जो आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो आपका चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन. तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हम इस चैप्टर में आपको आज पढ़ाएंगे. आपकी एक्सरसाइज 5.1 में जो आपका मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट, तो चलिए ध्यान से देखिएगा ऑल स्टूडेंट्स. राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. तो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करते हैं. आपका फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. हमें इसमें जो हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्ट है उसको लिखना है. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपकी बुक में जो पिक्चर दिया है वो आप कुछ बटरफ्लाई की पिक्चर दी है जिनको ग्रुप बना के दिया हुआ है. यानी कि टोटल ग्रुप अगर हम काउंट करें तो कितने ग्रुप है, वन काउंट करते हैं स्टूडेंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. तो स्टूडेंट्स कितने ग्रुप है ये, सिक्स. दीज आर सिक्स ग्रुप. ओके अब ईच ग्रुप हैज हाउ मेनी बटरफ्लाई. हर ग्रुप में कितनी बटरफ्लाई है, एक ग्रुप में हमारी टू है, वन टू, सब में हमारी ऐसी टू है, तो सिक्स ग्रुप है और एक ग्रुप में हमारा बटरफ्लाई दिया है टू. तो हमारा यहाँ पे अगर हम 6 × 2 करते हैं तो हमारा आंसर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 6 × 2 = 12, यानी कि 6 × 2 = 12. तो हमारा सिक्स ग्रुप ऑफ टू बटरफ्लाईज मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. इस लाइन को रीड करिएगा, सिक्स ग्रुप है, टू बटरफ्लाईज है आपकी सिक्स ग्रुप में. तो हमारे जो हम इस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो हमारा ग्रुप होता है उसका और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमारा ये ग्रुप क्या है, सिक्स है. और बटरफ्लाईज कितनी है एक ग्रुप में, टू. तो 6 × 2 जब हमने किया तो हमारा आंसर आया 12. ओके स्टूडेंट आई होप आपको समझ आया होगा. सेम ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है. इसमें हमारे इस वाली पिक में हमारा कुछ बर्ड्स दी हुई है. टोटल हमारे बर्ड्स के ग्रुप कितने हैं, थ्री, वन टू थ्री. तो ये थ्री हमारे ग्रुप्स हो गए बर्ड्स के. एक ग्रुप में हमारी कितनी बर्ड्स है स्टूडेंट्स, वन एंड टू. तो ये हमारी टू, हर ग्रुप में टू वर्ड्स है, वन टू वन टू. तो ये हम एक ग्रुप का ले लेते हैं और सॉरी ग्रुप हम तीन लेते हैं और किसी एक ग्रुप की बर्ड्स का नंबर ले लेते हैं. तो हमारे ग्रुप थ्री हो गए, हमने तीनों ग्रुप को ले लिया और अपने एक ग्रुप की बर्ड्स के जो हमारे नंबर है, जो ऑब्जेक्ट है उनको ले लिया. तो वन और टू जब हम 3 × 2 करेंगे, हमारे ग्रुप हो गए थ्री, बर्ड्स एक ग्रुप में बर्ड्स हो गए टू. तो 3 × 2 करेंगे तो 3 × 2 = 6. तो हमारे यहाँ पे टोटल कितनी बर्ड्स हो गई स्टूडेंट, सिक्स. हम इसको भी ऐसे भी, जब हमारे अगर काउंटिंग छोटी होती है तो हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. तो आंसर हमारा सिक्स, इट मीन्स करेक्ट है. सेम ऐसे स्टूडेंट्स हम बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12. तो टोटल कितनी बटरफ्लाईज हो गई स्टूडेंट, 12. तो ये हमारा आंसर आ गया 12. ये जो था हमारा मल्टीप्लीकेशन है, इसमें हम क्या करते हैं एक बार फिर से बता देते हैं. हमने अपना ग्रुप ले लिया और एक ग्रुप में हमारे जितनी थी उसको हमने नंबर्स को ले लिया और जब हमने सिक्स ग्रुप में टू बटरफ्लाई को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 12. ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स. एन एक्वेरियम हैज 6 फिश. राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ फिश इन 7 एक्वेरियम. आपको स्टूडेंट इसमें क्या करना है, हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि एन एक्वेरियम हैज 6 फिश. एक जो एक्वेरियम है उसमें 6 फिश है, हमारे 6 फिश हैं. ओके राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. हमें उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट बताना है टू फाइंड द नंबर ऑफ फिश इन 7 एक्वेरियम. तो हमें बताना है कि 7 एक्वेरियम में टोटल कितनी फिश हो जाएंगी. एक एक्वेरियम में जो फिश का है काउंटिंग वो 6 है, तो 7 में कितनी हो जाएंगी. तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे,
वन एक्वेरियम हैज सिक्स फिश, एक में सिक्स है, सेवन का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टोटल नंबर ऑफ फिश का है वो ले लेंगे, सिक्स फिश हो गया हमारा, ओके। और हमें कितने का निकालना है, सेवन का, सिक्स इंटू सेवन इज इक्वल टू सिक्स, सेवन जा 42, टोटल हमारी फिशेस कितनी हो गई, 42 फिश हो गई, ओके स्टूडेंट्स। हमने मल्टीप्लाई कर दिया जो हमारा फिश का नंबर दिया था उसका, और जो हमारे एक्वेरियम का नंबर दिया है उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर हमें रिसीव हो गया, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन टेबल, ओके। अब हम इसमें हमारी ये टेबल दी है, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स को जो ब्लैंक्स दिया है उसको फिल करना है, कैसे करना है, मल्टीप्लीकेशन टेबल के अकॉर्डिंग उसको फिल करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिल करना। पहले हम देखते हैं क्या है हमारा इसमें दिया है, फर्स्ट जो हमारा कॉलम है टेबल में वो दिया है नंबर ऑफ कार्स, ये कार के नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। इट मींस 10 कार्स है। सेकंड हमारा दिया है नंबर ऑफ व्हील्स, क्या दिया है, सेकंड नंबर ऑफ व्हील्स, व्हील्स माने कि पहिए, तो जो कार के जो पहिए हैं उनके नंबर्स दिए हुए हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स जनरली आपको पता है सबको कि एक कार में कितने व्हील होते हैं, एक कार में 4 व्हील्स होते हैं, ओके। तो अब हमें इसी को आगे करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। हमारा ऊपर दिया है वन, यानी कि वन कार हो गया, वन कार में हमारे कितने व्हील्स हो गए, 4, ओके। सेम ऐसी टू कार्स जब हो गए तो हमारे टू कार्स में कितने व्हील हो गए, 8, ओके स्टूडेंट्स। एक कार में हमारे 4 व्हील्स होते हैं तो दूसरी कार में हमारे 4 और ऐड हो जाएंगे, 4 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ये तो हमारा कौन सा फैक्ट हो गया, ये हमारा हमने हमारा हमने इसको प्लस करके निकाला, लेकिन अब हमारा डिजिट बड़ा हो रहा होता जाएगा तो हम उसको ऐसे कहाँ तक प्लस करेंगे, तो उसको हम फिर मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के थ्रू हम अपने उसको इजी बना लेते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, अब यहाँ पे हमारी कार्ड्स है 3, अब 3 कार्ड्स के कितने व्हील हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारे वन का 3 कार हमारा नंबर ले लिया हमने, एक कार में हमारे कितने व्हील होते हैं, 4, तो हमने 3 × 4 किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 4 8, सॉरी 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 3 4 12, ओके स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या आ गया, 12, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, 12, ओके। सेम ऐसे ही अब हमारे पास इसमें एक कार और बढ़ा दी इसमें, ये हमारे पास होगी 4 कार्स हो गई। अब 4 कार्स के व्हील हमें बनाने हैं, तो 4 कार्स है और एक कार का व्हील हमारा 4 ही होता है, तो हम 4 ही लेंगे फिर से, 4 4 16, ओके। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट हमारा तो ही हम यहाँ पे 16 लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे यहाँ 5, हमने 5 कार्स ले ली, और सेम हमारा एक व्हील कार में कितने व्हील होते हैं, 4, हम सब में मल्टीप्लाई 4 का ही करेंगे, बिकॉज हमारे कार्स के नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन हमें उनके व्हील बताने हैं, तो हम हमेशा 1 कार के व्हील का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कार में हमारे 4 व्हील होते हैं, तो हमारी जैसे 5 कार हो गई तो भी हम उसमें 4 व्हील का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कार हो गई तब भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 कार हो जाएंगी तब भी हम उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा, जैसे 5 × 4, तो 5 4 20, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ क्या आ जाएगा, 20। तो सेम स्टूडेंट्स ऐसे ही आपको करना है, जैसे नेक्स्ट आपका हो गया यहाँ पे 6 6 कार हो गई, 6 कार × 4 करेंगे, 4 व्हील होते हैं तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे 7 × 4 करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा, 8 × 4 करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा, जो आंसर आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये आपके, सेम ऐसे ही आपका इसका बी पार्ट में दिया हुआ है, बी पार्ट में आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है, यहाँ पे ऊपर चिल्ड्रंस के नंबर लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। एंड देन सेकंड में आपका नंबर ऑफ हैंड्स लिखा हुआ है, तो आपको भी पता है कि एक स्टूडेंट्स के हैंड्स कितने होते हैं, हम सबके पास में हमारे पास सॉरी चिल्ड्रन कोई भी हो सबके पास 2 हैंड्स होते हैं, ओके। तो वन जो चिल्ड्रन है उसके पास 2 हैंड्स हैं, तो 2 चिल्ड्रन जब हो जाएंगे तो कितने टोटल हैंड हो जाएंगे,
ऐसे थ्री चिल्ड्रन हो जाएंगे तो हैंड्स कितने हो जाएंगे, सिक्स. फोर चिल्ड्रन हो जाएंगे तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, चलिए देखते हैं. इसको रेज कर देते हैं अपना लास्ट वर्क को. बाकी के स्टूडेंट आपको मैंने ये अच्छे से समझा दिया है, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना होगा. ओके चलिए देखिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे दिया है वन, तो वन चिल्ड्रन का हमारे क्या हैंड्स हो गए, टू. तो टू चिल्ड्रन के हैंड्स कितने हो जाएंगे, फोर. करेक्ट है. अब थ्री आ गए यहाँ पे, थ्री चिल्ड्रन है, थ्री चिल्ड्रन के हैंड्स कितने हो जाएंगे, थ्री इंटू टू कर देंगे हम, तो हमें थ्री चिल्ड्रन के हैंड्स पता लग जाएंगे. थ्री टू जा सिक्स, तो हमारा यहाँ आ जाएगा सिक्स. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा फोर. फोर मल्टीप्लाई हम टू करेंगे, क्योंकि हम टू का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं. तो एक चिल्ड्रन के पास जो है, सॉरी, एक चाइल्ड के पास कितने हैंड होते हैं, ओनली टू. ओके, तो हम यहाँ पे हमारा वन चाइल्ड है तो उसका टू हैंड्स हो गए. हमारा टू चिल्ड्रन हो गया जब यहाँ पे, तो यहाँ हमारा कितना हो गया फोर. यहाँ थ्री चिल्ड्रन हो गया तो यहाँ हो गया हमारा सिक्स. ओके, सेम इसी वे में जब हमारे यहाँ फोर हो गया तो फोर इंटू टू किया तो यहाँ हो जाएगा हमारा एट. ये आ गया. अब यहाँ पे फाइव चिल्ड्रन हो गया, फाइव इंटू टू करेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा टेन. ये आ गया हमारा टेन. सेम इसी वे में आपको इनको करना है, सिक्स इंटू टू, सेवन इंटू टू, एट इंटू टू, नाइन इंटू टू एंड टेन इंटू टू. ओके स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही आपको उस टेबल को कंप्लीट करना है. स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये. चलिए, ये एक्सरसाइज आपकी 5.1 स्टूडेंट कंप्लीट हो गई है. अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं. आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपकी 5.2. ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, अभी स्टूडेंट्स आपका 5.1 में एक क्वेश्चन और है. एवरेज स्टूडेंट्स प्लीज टर्न योर पेज, कम ऑन पेज नंबर 49. 49 पे आपका एक क्वेश्चन और दिया है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. देखिए, ये देखिए क्वेश्चन फोर है, राइट द प्रोडक्ट यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल. आपको प्रोडक्ट लिखना है, मल्टीप्लीकेशन टेबल को यूज करके आपको इसका टेबल लिखना है. ओके, तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, राइट द प्रोडक्ट यूजिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल. आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा सबको बच्चों. आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है वो दिया है 4 into 3. ओके, तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स को, 4 into 3 आपका जो दिया हुआ है इसमें, आप समझ रहे हैं इंटू का मतलब होता है हमारा, जो यहाँ पे इंटू है ये मल्टीप्लीकेशन का हमारा साइन होता है ना. तो क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट्स, सिंपल सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया हुआ है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हमारा हो गया 4 into 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 3 12. ओके, ये नेक्स्ट हमारा दिया 6 into 7, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 42. सेम ऐसे ही करेंगे, 8 into 5, 8 5 40. ओके, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, इनको आपको खुद करना है अपनी नोटबुक में. इसमें जो बुक वर्क है, क्वेश्चन ए है जैसे, ये आपको आप अपनी इसको नोटबुक में नहीं करिएगा, ये आपका बुक वर्क है, इसको आपको बुक में ही करना है. नोटबुक में आपको इसका क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन फोर करना है. ओके, बाकी का जो वर्क है क्वेश्चन वन और टू थ्री, ये आपका बुक वर्क है, आप इसको बुक में ही रहने दीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको भी आज हम इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट जो आपकी